अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी सरकार आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के लिए रवानगी है और हम निकल चुके हैं और हर उस जगह से गुजर रहे हैं जहाँ से हमारी आबादी वाबस्ता थी। अभी पीछे मीना गुजरा, वही सर्विस सेंटर सामने आया, वही जमरात सामने आया, वही वो फ्लाईओवर, वो गलियाँ सामने आई जहाँ से गुजर कर हमने अपने हज के अरकान पूरे किए थे। ये है वो मीना की बस्ती, मीना की वादी, जो साल में एक दफ़ा सिर्फ 5 दिन के लिए आबाद होती है और अब यहाँ पर सन्नाटा है। लेकिन हरम में अल्हम्दुलिल्लाह वही हजाज कराम का सैलाब है था। कल रात को हम जब आखिरी सलाम पेश कर कर आए, तवाफ़ विदा किया, तो वही रश्ता, वही इबादतें थी, वही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं थी। अब एक दिल में एक अजीब सी खुशी भी है, सुकून भी है कि हम अपने महबूब इलाही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर रवाना हो रहे हैं, जहाँ कहा जाता है कि जाते ही पहले कदम में ही आपको दिल की राहत और सुकून मिलती है। दुआ यह है कि जिस तरह मैं हरम से रहमतें और बरकतें समेट कर जा रही हूँ, महबूब इलाही हमें अपनी शफात में ले लें और जितना भी वक्त गुजरे हम दो सना में गुजरे, जिक्र में गुजरे, इबादत में गुजरे और रोज़े रसूल में। इनफैक्ट हमारे तो हर 4 दिन हैं, तो कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद नबी में हम अपना टाइम स्पेंड करें। ये मक्का शहर है, माशाल्लाह देखिए कितना डेवलप हो गया है। रॉकी माउंटेन्स का एक इलाका, पहाड़ों का एक इलाका, जिसमें अब ये कंस्ट्रक्शंस देखिए कि किस तरह पहाड़ों को काट काट के बिल्डिंग्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, कितना डेवलप हो गया है। और जब हम अपने पुराने वीडियोस देखें मक्का शहर की, तो क्या आलम था। और 21st सेंचुरी में, और जब कहते हैं 2030 प्लान जब होगा, आई डोंट नो कितना चेंज होगा। लुक एट दिस, अच्छा हम कहते हैं ना कि ज़ाहिर मेरा ताल्लुक़ कराची से है, तो अक्सर हम कहते हैं कि कराची तो बहुत फैल गया है, पता ही नहीं चलता बहरिया टाउन, और बहरिया टाउन क्रॉस करे तो नूरियाबाद, और कब हैदराबाद आ गया पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मक्का भी बहुत तेज़ी से बहुत फैल गया है। इतनी मतलब रेजिडेंशियल एरियाज क्रॉस कर रहे हैं हम, और ये टनल्स बन चुके हैं, फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। 1400 साल पहले के मक्का और आज के मक्का को देखें, बिफोर एंड आफ्टर, तो इस अमेजिंग के कहाँ से कहाँ पूरी दुनिया पहुँच चुकी है। इनफैक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मक्का आज ये इतना डेवलप हो गया है
हम लोग थोड़ी देर में हाईवे टच करने वाले हैं, लेकिन रेजिडेंशियल्स एरियाज, कंस्ट्रक्शंस, मसाजिद, मॉल्स, एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि बस इसी तरह हम क्रॉस करते जाएंगे, मैं देखती जाऊंगी और मदीना आ जाएगा। और अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली हम लोग हाईवे पर हैं, मोटरवे, और इंशाल्लाह ये स्ट्रेट मदीना की तरफ जाएगा। और वही बात है, रास्ते में लग ही नहीं रहा कि हम हाईवे पर हैं। हर जगह, जिस तरह हमारा कराची के सोहरावगढ़ से आगे जब हम मोटरवे M9 पर जाते हैं, और कब हैदराबाद आ जाता है, कब सक्कर आ जाता है, और जाते 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 कब लाहौर आ जाता है। तो यही कुछ मामला यहाँ पर है। दूसरा ये कि ये तो खैर यहाँ पे खजूर और इसके दरख्त तो है, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्रीनरी भी देखी, और लोगों ने अपने घरों में गार्डन बनाए हुए हैं। जो एक चीज़ हमारे जहनों में थी कि मक्का गर्म इलाका है, वहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं है, ये जिस तरह देखें अभी हाईवे पर आए तो अब लग रहा है कि जिस मक्का को हम लोग बुक्स में पढ़ते थे या हिस्ट्री में जिसका जिक्र होता था, वो तकरीबन इस तरह का मक्का होता था। लेकिन अभी जो पीछे जो मैं मक्का छोड़कर आई हूँ, और जो क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो आज का जदीद मक्का है। ये दूर से आपको नजर आ रहे खजूरों के बाग, खजूरों के बाग, और ये देखिए कहाँ तक ग्रीन हो रहा है। कितना खूबसूरत मंजर है ना, ये देखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि मक्का इज गोइंग टू बी ग्रीन, और इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर वही 40 क्रॉस है, 50 भी क्रॉस हो जाता है, लेकिन आप ग्रीन देखें, ग्रीन एरिया। अच्छा, यहाँ जब मैंने असर की नमाज अदा की तो मुझे मेरे शेरू, स्नोई और सिम्बा याद आते, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये मस्जिद में यार अल्लाह की ये मखलूक कितने प्यार और कितने सुकून से सुन रही है। आई चल, बहुत मासूम, बहुत क्यूट सी है, और ये सो रही है। हमने यहाँ असर की नमाज अदा की और बिल्कुल पहली सफ में ये इतने आराम से यहाँ पर नींद कर रही है। अरे ओ, फिर से नींद आ गई, फिर से नींद आ गई, फिर से। ओ अच्छा, चलो मैं नहीं डिस्टर्ब कर रही, मैं आपको तो नहीं डिस्टर्ब कर रही, नहीं डिस्टर्ब। माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा ये अरेबियन ब्रीड है, मुझे तो इतना ब्रीड का नहीं पता, लेकिन सॉर्ट ऑफ ये देखिए ब्यूटी देखें, कलर देखें, ये बिल्कुल वो ही कलर है, उसी तरह लाइन है जैसे घर में मेरा सिम्बा मेरा वेट कर रहा है। कैसी हो? अच्छा चले आप सो जाए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप सो जाए। अच्छा हाईवे पर ये हमारा सेकंड स्टॉप स्टॉप ओवर है, हाईवे पर ये हमारा सेकंड स्टॉप ओवर है। पहले जोहर के टाइम पर हम यहाँ एक स्टॉप ओवर पे रुके थे, यहाँ पर मस्जिद भी है, यहाँ पर फ्यूल स्टेशन भी है, यहाँ पर फ्यूल मार्ट भी है, और नमाज से वक्त ऑन द वे बसेस यहाँ पर रुकती हैं और जितने भी जायरीन होते हैं वो नमाज भी अदा करते हैं। उसके अलावा अगर उनको चाय कॉफ़ी कुछ भी स्नैक्स टाइप अगर भूख भी लगती है जाहिर सी बात है सफ़र में, तो इस तरह आई थिंक एवरी हाफ 1.5 आवर के डिस्टेंस पर इस तरह ये फ्यूल मॉल एंड फ्यूल मार्ट ये यहाँ पर मौजूद हैं। और जहाँ से हम थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेते हैं, थोड़ा सा जाहिर सी बात है जब आप बस से ट्रैवल करते हैं या बाय कार जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब इंसान एग्जॉस्ट भी हो जाता है ड्राइव करके बैठ के, तो थोड़ा सा मूवमेंट हो जाती है। और उसके बाद हमें एक टाइम लिमिट मिला हुआ होता है 10-15 मिनट का, और इस 10-15 मिनट में हमने जाहिर सी बात है कसर पढ़नी होती है, और कसर पढ़ने के बाद अगर आपने चाय कॉफ़ी या कुछ स्नैक्स वगैरह अगर कुछ चीज़ें ख़रीदनी है तो वो आप ख़रीद सकते हैं, इतना ब्रेक मिलता है। ये फ्यूल मार्ट मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, ये देखें। मैं तो हर यहाँ से चाय लूँगी क्योंकि जब आप वाया बस हो या वाया कार हो तो बहुत ज़्यादा आई थिंक हमें अवॉइड करना चाहिए खाना पीना। वही इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट एक मार्ट है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो ये देखें, ये क्विक मैं आपको सर्वे करा रही हूँ इस क्लिप के थ्रू, और अब मैं जाऊँगी अपनी चाय की तरफ क्योंकि कराची वाले भाई चाय नहीं पीऊँगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी। अच्छा आई थॉट कि ये बंद है लेकिन इट्स ओके। ये रहा देखें कैफेटेरिया टाइप है, अब यहाँ से मैं काउंटर से अपनी आई वांट चाय चाय चाय। चलें यहाँ से हम अपनी चाय लेते हैं। Thank you.